नमस्कार मित्रों क्या हाल है आजकल एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग सा फैशन चल रहा है वो है लोन उल्प या फिर लोनर जिसे कहते हैं आजकल लोग क्या ना कि ज़्यादा अकेला रहना प्रेफर करते हैं इसके पीछे रीज़न और कुछ नहीं बल्कि ये लॉजिक दिए जाते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है दुनिया उनको एक अलग नजरिए से देखने लगती है तुम्हारा खुद का नज़रिया ही चेंज हो जाता है दुनिया की ओर ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं पर अगर ध्यान से देखोगे अगर गहरे लेवल पे थोड़े उतर के देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जो अच्छी भी हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छी भी चीज़ नहीं है अच्छी चीज़ भी हैं साथ साथ फ्लॉज भी हैं लेकिन फ्लॉज के अमाउंट थोड़े ज़्यादा हैं ओके अब यूजरली क्या होता है कि लोग दो वजह से ऐसे ट्रेड को अपनाना चाहते हैं पहला जो रीज़न है वो ये है कि कि तुमने कोई ऐसी मूवीज़ देख ली हैं या फिर कोई ऐसी सीरीज़ देख ली है जहाँ पे एक ऐसे कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कैरेक्टर अपने आप में थोड़ा सा डार्क है इंट्रोवर्ट है और एक लोन उल्प टाइप वाइब्स देता है ऐसे कैरेक्टर क्या ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वैसे बहुत फैसिनेटिंग होते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है एक डार्कनेस में भी तुम्हें वो कूलनेस दिख जाता है कभी कभी अब दूसरा जो रीजन है कि तुम पहले से ही ऐसे हो तुम्हारे अंदर ऐसे ट्रेड्स पहले से ही हैं तुम पहले से इंट्रोवर्ट हो तुम्हारे अंदर पहले से वो डार्कनेस है और लोन उल्प टाइप के जितने भी पर्सनलिटी हैं उनमें से दो चार तुम्हारे अंदर हैं और तुमने कहीं से देख लिया है कहीं से पढ़ लिया है फिर कोई भी वीडियोज में देख लिया है कि एक ऐसा पर्सनालिटी टाइप दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसके साथ हमारी सिमिलैरिटीज काइंड ऑफ है तो क्यों ना हमारे अंदर पहले से हैं तो क्यों ना दो चार ट्रेड्स और अपना लेते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ लोन उल्फ अक्सर लोग करते हैं अब जो पहले से अपने आप को लोन उल्फ मानते हैं जो अपने आप को पहले से लोनर मानते हैं उनको मैं बता दूँ कि तुम लोनर बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि अलोन होने की जो एक ज़िंदगी है वो कैसी है तुम्हें अभी तक पता नहीं है अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ पे इंसान की शक्ल तक तुम्हें ना दिखाई जाती हो या फिर किसी से बातचीत करने का मौका तुम्हें नहीं मिलता हो ऐसी प्लेस में अगर तुम्हें भेज दिया जाए तब देखना कि दो हफ्ते दो हफ्ते छोड़ना बहुत ज़्यादा है दो तीन दिन में तुम्हारी औकात पता लग जाएगी कि एक्चुअली तुम हो कौन और तुम क्या चाहते थे लोन वाली ज़िंदगी तुमने अभी तक देखी नहीं है क्योंकि तुम अपने आप को चौबीस घंटे घर में बंद करके ये सोचते हो कि तुम लोनर हो बट एक्चुअली में होता ये है कि तुम लोनर नहीं हो इसके पीछे रीज़न ये है कि तुम्हारे घर वाले की बातचीत की आवाज़ आ रही है और हर समय वो क्या करते हैं और खाना वाना जो भी होता है ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाते हैं इसलिए एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम होती हैं उन पर तो तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाता तुम पूरी तरीके से ध्यान लगाते हो अपने इन चीज़ों पर क्योंकि प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो रही है बाहर से जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए बस थोड़ा सा अपने आप को बंद करके और अपने दोस्तों से कटअप करके तुम ये समझने लग गए कि तुम एक लोनर हो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर तुम्हें अकेला रहना पड़ता तुम्हें सब कुछ करना पड़ता खाना वाना जो भी होता है जो भी तुम चाहते हो अगर वो अकेले करने पड़ जाते तो फिर कह सकते थे कि हाँ तुम एक लोनर हो बट इसके इससे पहले तुम अपने आप को लोनर क्लेम नहीं कर सकते एक बात यहाँ पे और एक समझो जैसे इंसान की एज बढ़ती है साथ साथ बाहर से प्रॉब्लम भी आती है नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉब्लम्स के अलग अलग टाइप्स वेरियंट निकल के आते हैं और साथ ही साथ प्रॉब्लम से जूझने की जो इम्यूनिटी होती है वो भी बढ़ती हैं बट एट सम पॉइंट हर किसी की जिंदगी में होता ही है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का जो लेवल है वो यहाँ पर है और तुम्हारी जो इम्यूनिटी है यहाँ पर है कभी कभी हो जाता है और प्रॉब्लम का लेवल थोड़े से बढ़ जाने पर हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को एक बिगड़ स्क्रीन में देखने लगते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो तो हमसे कभी सॉल्व होगी ही नहीं क्योंकि हमारे पास उतनी इम्यूनिटी नहीं है उतनी पावर हमें नहीं है ये कभी कभी एल्यूसन भी होता है बट रियल प्रॉब्लम भी कभी कभी आती है कभी कभी आती है लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल या फिर हम ज़्यादा ऐसे मैग्निम ग्लास से देखते हैं इसलिए कभी कभी बड़ा दिखता है बट जब भी कोई अगर रियल प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में आती है तब एक बात समझना कि तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी बिना हेल्प के कोई इंसान जिंदा थोड़ी ना रह सकता है इंसान ऐसे कभी बने ही नहीं है कि वो पूरी तरीके से आइसोलेट कर ले अपने आप को और दुनिया से बाहर हो जाए ऐसे करके इंसान इंसान के नेचर में वो चीज़ नहीं है इवोल्यूशन ऐसे ही हुई है तुम यहाँ पे क्या करो कि पूरी तरीके से आइसोलेट होके उस नेचर को तोड़ने की बात कर रहे हो इसके लिए तुम्हें कभी वो पूरा फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा और अलोन होने के लिए एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं रियल उल्प के अगर उल्ब की बात मैं तुम्हें बताऊँ कि उल्ब एक हाईली सोशल एनिमल होता है वो अपने पैक और कैटरी में रहना पसंद करते हैं बट कभी कभी क्या होता है कुछ उल्फ अपनी कैटरी अपने अपने पैक और ग्रुप्स को छोड़कर कर सौ मिल दूर चले जाते हैं इसके पीछे भी एक जेनेटिक रीज़न होता है ऐसे ही नहीं बस कि दूसरे उल्प उनके साथ बदमीज से पेश आ रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके लिए बाकी उल्प को वो पसंद नहीं करता इसलिए वो छोड़ के चला जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पीछे भी नेचर का ही हाथ है और ऐसे ही वो बने हैं इसके पीछे रीज़न है इन ऑर्डर टू फाइंड मेट ताकि वो अपने जीन को आगे बढ़ा पाए और अपने ग्रुप्स को अपने पैक को वो नई जीन मिक्स करके नई जीन मिक्स करके हेल्दी बना पाए ये होता है रीज़न बट एज ह्यूमन हम क्या कर सकते हैं हम मेटाफोरिकली ये शिक्षा ले सकते हैं कि एक जानवर अपने पैक को छोड़ता है अपने पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए ऐसे मेटाफोरिकली हम शिक्षा ले सकते हैं बट लिटरली किसी जानवर की कॉपी हम नहीं कर सकते इससे तुम्हें फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा कॉपी किसी इंसान को करना भी ठीक नहीं है और तुम यहाँ पे बात करो जानवर की कॉपी करना और वो भी लिटरली ऐसे देखना पड़ेगा कि तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारा जेनेटिक फैक्टर टोटल अलग है जानवर से दूसरे इंसान से अगर कॉपी की ही बात करूँ तो ऐसे इंसान की भी कॉपी नहीं करनी चाहिए जो इंसान तुम्हें बहुत पसंद है तुम्हारा रोल मॉडल है उनके भी कॉपी करना सही नहीं है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अलग है तुम्हारी अलग है अगर तुम उनकी कॉपी करने ले जाओगे तो कहीं कही ना कहीं तुम अपनी अपर्चुनिटी मार रहे हो और खुद की ही पर्सनैलिटी डेवलप होने नहीं दे रहे हो सिग्मा मेल वाले वीडियो में मैंने साफ सबसे बोला था कि हर किसी में जेनेटिक फैक्टर बहुत हद तक होता है तुम इसे चेंज नहीं कर सकते आज तुम जो हो बीस साल बाद तुम एग्जैक्ट वही इंसान रहोगे बट बाहर के कुछ एक्सटर्नल चीज़ें वो चेंज होती रहेगी जैसे तुम्हारा स्किल या फिर नॉलेज सोर्सेस फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप जो भी कह दो वो चेंज होता रहेगा बट कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो कभी चेंज किया नहीं जा सकता जैसे अभी भी होता है कि आज मान लो कि एक गलती तुम रिपीट करते हो देखना कि दस साल पहले भी सेम गलती तुम करते थे और आज तक वो मिस्टेक तुम सही नहीं कर पाए हो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कभी चेंज किया नहीं जा सकता लेकिन बाहर की चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं अपने नॉलेज स्किल जो भी हैं इसे चेंज कर सकते हैं इसे इसका डेवलपमेंट हो सकता है बट तुम यहाँ पे बात कर रहे हो पूरी पर्सनालिटी चेंज करने की जो रियल जिंदगी में पॉसिबल नहीं है रही बात अलोन होने की तो अलोन होने का भी फायदा है जब तुम अकेले रहते हो तब तुम्हें मौका मिलता है इंट्रोस्पेक्ट करने का तब मौका मिलता है पढ़ने का जानने का नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है जो कि ग्रुप्स में कभी हो नहीं पाता है इसलिए कुछ समय से कुछ समय लेकर तुम अगर अलोन हो जाते हो और अपने काम के प्रति फोकस करते हो तुम्हारे खुद के प्रति फोकस करते हो बहुत ही अच्छी बात है बट हमेशा के लिए तुम अगर अलग होने की बात कर रहे हो और ये सोच रहे हो देन ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगा तुम्हें ग्रुप्स में भी रहना है सबके साथ मिलना भी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है ना अगर नए नए इंसान से मिलोगे तो फिर अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और अलोन होने में तुम क्या करते हो कि वो अपॉरचुनिटी जो होती है उसे काइंड kind ऑफ of मार देते हो या फिर रिड्यूस कर देते हो जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है और एक टाइम के बाद देखना कि ये जो भी पर्सनालिटी है या फिर जो भी तुम्हारे सिग्मा अल्फा जो भी हैं ओमेगा जो भी हैं एक टाइम के बाद बिल्कुल बेकार लगने लग जाएगा क्योंकि इंसान का रोल बदलता है अगले पाँच साल छः साल में इंसान का रोल बदल जाता है इंसान की ड्यूटी बदलती है आज जैसे हैं लेकिन पाँच साल बाद तुम्हारी ड्यूटी और हो जाएगी तुम्हें कुछ और चीज़ें सर्व करनी पड़ेगी तब नोटिस कर पाओगे कि तुम इंसान को चेंज नहीं कर पाए बाहर की जो भी चीज़ है जो एक्चुअली डेवलपमेंट जिसका हो सकता है वो चेंज कर पाए लेकिन पूरे इंसान को चेंज नहीं कर पाए तब अच्छी तरीके से नोटिसबल होगा तब समझ में आएगा कि अल्फ़ा मेगा या फिर ओमेगा सिग्मा लोन उल्फ ये सब कुछ कुछ भी नहीं होता बस लोग ऐसे बना देते हैं क्योंकि सोचने के लिए और कुछ है नहीं बस इस इसमें घुसे रहते हैं और और कुछ नहीं बस लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है लोगों को बताने का तरीका होता है कि तुम में ये है वो है एक झूठा क्या बताए झूठा ट्रेड्स उनके अंदर भर दिए जाते हैं तुम तो अगर सिग्मा के अगर क्वालिटी पढ़ोगे या फिर लोन उल्फ की क्वालिटी तुम पढ़ोगे हर एक क्वालिटी के साथ तुम अपने आप को देख पाओगे मैच कर पाओगे क्योंकि बात तो ऑबियस होती है ना और हर कोई चाहता है कि मैं ऐसे बन जाऊँ इसलिए पढ़ने के बाद ये लगता है कि हाँ मैं भी तो ऐसा हूँ ओके okay.